नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस सीरियली यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए मैथ के जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराएंगे, जो कि आज के हमारे सेशन का पार्ट आपका ये 57 नंबर है। इसी तरह से हमने पार्ट वाइज मैथ और रीजनिंग के सारे वीडियो कराए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को हल कराएंगे और जिनको आपको बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक से हल करना सिखाएंगे। चलिए आज के हमारे सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको हल करिए, कैसे हल होगा। देखिए, पहले प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझिए। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला उस काम को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए, पहले प्रश्न को ध्यान से समझते हैं, उसके बाद हल करते हैं। देखिए, ये क्या होता है, आपका जो है काम और जो है आपका समय और काम से संबंधित सवाल है। देखिए क्या बोला, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, आपका 15 दिन में करते हैं, और बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है, आपका 20 दिन में कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। देखिए, एलसीएम लेना मैंने बताया है आपका, जब भी एलसीएम लेने को बोले 15-20, तो आप बड़ी वाली संख्या को गुणा करते जाइए और देखते जाइए जो आपकी दूसरी संख्या क्या उससे विभाजित होगी। देखिए, इसको एक पहले दो बार गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, क्या 40 आपका 15 से विभाजित होगा, नहीं। फिर आपका 3 से गुणा करेंगे 20 का, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्या 60 आपका 15 से विभाजित होगा, हाँ। तो मतलब 60 ये आपका एलसीएम होगा। देखिए एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया, 15 × 60, अगर 60 को 15 से भाग देंगे और 20 को अगर हम 60 से भाग देंगे, ठीक है, 60 को अगर 20 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमको क्या पूछा है कि एक इस काम को कितने दिन में करेगा, यहाँ दोनों मिलकर 4 दिन लगा रहे हैं और बी अकेला 3 दिन लगा रहा है, तो ए का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 4 से 3 माइनस करेंगे, ठीक है। 4 से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 आपका आ गया। तो कितना पूछा है, ए अकेला टोटल काम कितना है आपका, 60 है, एक अकेला कितना है, 1 आया, मतलब आप 1 से 60 को भाग देंगे तो आपका 60 ही आएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, और आप हमेशा एलसीएम मेथड लगाइए, कितने भी बड़े क्वेश्चन हो आपके आसानी से हल हो जाएंगे। चलिए आज के अपने सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का क्वेश्चन नंबर 2, है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न मैंने अपने पिछले वीडियो में लगभग बहुत सारे इस टाइप के प्रश्न कराए हैं, और ये आपका जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है, जो कि कोई भी एग्जाम हो ऐसा, चाहे रेलवे SSC बैंक हो, वहाँ से एक प्रश्न आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलता है। देखिए, प्रश्न को मैं अपने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताता हूँ, इसको बिना XY माने। देखिए, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को कितना 25% की हानि होती, वह इस कुर्सी को कितने रुपये में बेचे उसे 25% का लाभ हो। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, आपको क्या बोला है, 25% की हानि हो रही, कितने पहुंचे, 75 पे, और उसके बाद दूसरे में क्या बोल रहा है, 25% का लाभ हो रहा, कितने पहुंचे, 125 पे। अब देखिए, आपका यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये हो गया 720। अब यहाँ पे आप लोग ये नहीं समझ में आता, इसको ऊपर रखेंगे या इसको नीचे रखेंगे या इसके ऊपर। देखिए क्या बोला है, 25% का लाभ हो, ठीक है, 25% का लाभ हो, तो लाभ कब होगा, लाभ होगा जब बड़ी संख्या ऊपर रहेगी छोटी संख्या नीचे रहेगी तब लाभ होगा, और हानि कब होगा, जब बड़ी संख्या नीचे रहेगी छोटी संख्या ऊपर रहेगी। देखिए, अगर लाभ हम कभी प्राप्त कर सकते हैं, जब बड़ी संख्या ऊपर रहेगी, क्योंकि अगर बड़ी संख्या नीचे होगी भाग देने पे कट जाएगा। तो क्या बोला है, कितने परसेंट, मतलब कितने रुपए में बेचे 25% का लाभ हो, लाभ बोला, जो क्वेश्चन बोले हमको वही करना, 25% का लाभ हो। तो 25% लाभ करने के लिए हम लाभ कब प्राप्त करेंगे, जब बड़ी संख्या ऊपर रखेंगे, बड़ी संख्या ऊपर रखेंगे 125 और नीचे कितना रखेंगे 75। उम्मीद करता हूँ समझ में आप, जब भी पूछे, अगर कोई पूछता कि हानि हो, तो हानि कब होगी, जब छोटी संख्या ऊपर रहेगी बड़ी संख्या नीचे रहेगी, तो हमको क्या बोला 25% लाभ हो। अब इसको काटिए, 5 × 10 और 5 × 25 कितना हो जाएगा आपका, ये 5 × 5 और 2 × 5 = 25, फिर इसको काटिए 5 × 5 = 5, 3 × 15, ठीक है, 5/3। अब 3 को काटिए आप लोग 720 को, 3 × 2 = 6, 1 बचा, और 3 × 12 = 0, अब आपका कितना बचा, 240 × 5। अब इसको गुणा करिए, 5 × 0 = 0, 5 × 20 = 0, हासिल लाइन 2, उसके बाद 5 × 2 = 10, 10 और 2 = 12, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, कोई XY मानने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा इस चीज को याद रखिए, आपका जो दिया हुआ है, आपका जो मूल्य दिया उसको लिखिए, उसके बाद आप लोगों को भाग करिए, अगर पूछे लाभ हो तो लाभ बड़ी संख्या ऊपर रखेंगे, अगर पूछे हानि हो तो बड़ी संख्या नीचे रखेंगे। आपको कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत, जो क्वेश्चन बोले हमको सिर्फ वही करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, चलिए आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के हमारे सेशन का 3rd नंबर क्वेश्चन है, ये आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पिंगल ने एक कार
2,50,000 में खरीदा था, 3,48,000 में उसे बेच दी, उस कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक है, उसका लाभ पूछा है, मतलब खरीदी कितने में? 2,50,000 में, और बेची कितने? 3,48,000 में। तो उस कार का प्रतिशत लाभ हुआ, देखिए खरीदी है 2,25,000 में, बेची है 3,48,000 में, तो उसको तो लाभ ही हुआ है, लेकिन लाभ कितने का हुआ हम उसको निकालने के लिए आपका 3,48,000 में से आप लोगों का 2,50,000 क्या करेंगे हम लोग उसका माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तभी पता चलेगा कितने का लाभ हुआ। तो इसको माइनस करेंगे जीरो हो जाएगा, जीरो ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका यहाँ से एक हासिल लेंगे 14, 14 मत से 5 गया कितना हो जाएगा 9, ये कट जाएगा आपका आ गया 98,000। देखिए प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकलता है आपका क्रय मूल्य में, कितने का इसको क्रय तक किया था खरीदा था 2,50,000 में, तो ये आपका कितना हो गया 98,000। ठीक है, ये आपका कितना हो गया नीचे 2,50,000 और गुणे कितना आपका 100, क्योंकि आपका क्या बोला प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ। देखिए आप लोग इसको काटिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 जीरो कट गया, 1 जीरो इधर बचा, 1 जीरो इधर कट गया, आप इसको गुणा करेंगे ऊपर कितना हो जाएगा 980 हो जाएगा और नीचे कितना बचेगा 25। अब इसको भाग करिए, 25 को 980 से भाग करिए, देखिए हम भाग करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, 980 भागे 25, तो इसको भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 25 दुना 50 25 75 25, ये आपका 3 बार जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 5 गया 3, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 0 उतार लिया, कितनी बार जाएगा इसको ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। देखिए 3 किसी ऑप्शन में नहीं है, 3 आपका एक ही ऑप्शन में है सी और बी में, तो यहाँ तो 0 होगा, 0 बार जाएगा नहीं, हम 9 बार ले जाते हैं, कितनी बार 9 बार, कितना हो गया 9 बचे 45 45, कितना बचा 4, 9 दूनी कितना हो गया 18 18 और 4 कितना हो गया 22, ये कितना हो गया 22, ये हो गया आपका 225। माइनस करेंगे 10 माह से 5 गया 5, ये 0 0, आपका दशमलव बढ़ाइए फिर 0 बढ़ाइए, कितनी बार जाएगा 25 दुना 50, मतलब ये 2 बार, 39 पॉइंट कितना हो गया 2%। आप ऑप्शन की मदद लेते चलिए, कभी भी गुणा भाग करें तो आप ऑप्शन की मदद जरूर लें, हमको पहले पता करना था कितना लाभ हुआ, उसके बाद आपका क्रय मूल्य पे निकाल लेना था। चलिए आज के फिर सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए कैसे हल करना है, 342 में से कम क्या घटाया जाए ताकि शेष फल 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, मतलब क्वेश्चन में बोल रहा 342 से कम क्या घटाना चाहिए ताकि शेष फल जो है 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। देखिए इसमें पता कैसे करेंगे क्या घटाना है, पहले आप लोग इसको पता करने के लिए आपको 342 से आपको क्या करना है 8 से भाग करना है, क्या करना है 8 से भाग करना है, कितनी बार जाएगा ये आपका 4 बार जाएगा, 8 चौक 32, ठीक है ये कट गया आपका 2 बचा, कितना बचा 2 बचा 22, तो कितनी बार जाएगा ये आपका 2 बार, 8 दूनी 16, कितनी बार जाएगा 16, 12 में से 6 गया 6, मतलब कितना बचा यहाँ पे आपका 0 बच गया, कुछ नहीं। तो देखिए क्या बच रहा है 6 बच रहा, अगर हम 6 में आपका 342 में से 6 घटा देंगे तो ये 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए अगर आप देख सकते हैं 342 में से अगर 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 12 में से 6 गया 6 3 336, अब 336 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 8 चौक 32 बार जाएगा, ठीक है 4 बार जाएगा, 1 बचेगा 16, 8 दूनी 16, मतलब ये विभाजित हो जाएगा, तो हमको क्या करना करेगा इसमें 6 माइनस करेंगे तब आपका जो है पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, कुछ नहीं करना था आपको 342 से 8 से भाग देना था, जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए आज के अपने सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सेशन का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, मतलब सबसे छोटा अनुपात इसमें पता करना है, इसको पता कैसे करेंगे। देखिए ये आपका दिया हुआ है 35 आपका भागे 7 है, ठीक है ये आपका है 47/3 है, ये आपका है 77 कितना है आपका 5 है, ये आपका कितना दिया 47/15, आप लोग पता करने में सबसे छोटा जो है अनुपात कौन सा है, तो क्या करेंगे हम इसको भाग करेंगे, देखिए 7/35, 3 से भाग करिए कितनी बार जाएगा इसको 3×3 1 बार जाएगा, ठीक है 3×3 1 बार जाएगा, कितना बचा 2, कितना 1 बचा, कितनी बार 3×5 15, मतलब ये 15 पॉइंट कुछ करके जाएगा, ठीक है पूरा नहीं हल करना, इसको 5 से भाग करिए कितनी बार जाएगा ये 5×5, ठीक है कितना बचा 2×5 25, ये भी आपका 15 पॉइंट कुछ जाएगा। अब आपको 43 को 15 से भाग करना, देखिए 43 को आपको क्या करना है 15 से भाग करना है, तभी पता चलेगा सबसे छोटा कौन है, देखिए 15×15 30 क्या हो जाएगा 15×3 45,
ये आपका 47 है, यहाँ पे 47 लिखे तो कितना हो जाएगा, 15 3 45, ठीक है 45। तो इसको माइनस करेंगे कितना होगा आपका, ये 47, 7 में से 5 गया 2 और उसके बाद इसमें 4 में से 4 गया 0, ठीक है। देखिए आपका ये 3 बार, देखिए आप यहाँ से ध्यान समझे, ये आपका कितनी बार गया, 5 बार, ये आपका 15 बार, ये भी आपका 15 बार, ये आपका 3 बार, ठीक है, कितनी बार गया, 3 बार। तो मतलब सबसे छोटा अनुपात कौन होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि सबसे छोटा इसी में आ रहा है जो आपका 3, इसके बाद जो भी प्राप्त होगा आपका, यहाँ दशमलव लेंगे तो 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, ये आपका मतलब क्या होगा, ये आपका ये हो जाएगा 3.133 करके कुछ आएगा, लेकिन आपका सबसे छोटा अनुपात यही होगा। इसका भाग भी द्वारा ही पता कर सकते हैं कि सबसे छोटा अनुपात कौन सा होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आज के अगले सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये क्वेश्चन जो है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, यदि इसे 1050 रुपये में बेच दिया जाता है तो इस पर कितने % की छूट मिलेगी, क्या पता करना है हमको, छूट पता करना है। देखिए छूट जब भी डिस्काउंट हम निकालते हैं हमेशा अंकित मूल्य पे निकालते हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको कुछ नहीं करना, आपको छूट ज्ञात करने के लिए आपको बस एक चीज करना है, इसको जो 1200 दिया गया अंकित मूल्य में से आपको ये जो दिया 1050 को माइनस कर देना है, और आपको क्या करना है, 1200 से भाग कर देना है, गुणे सब कर देना है, बस आपका अंकित मूल्य निकल जाएगा, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है छूट निकल जाएगी, ठीक है, छूट नहीं पता करना है, क्योंकि अंकित मूल्य में से, अंकित मूल्य में से जब भी हम ये बेचने वाला मूल्य घटाएंगे तो आपका जो छूट क्या है पता चल जाएगी। देखिए छूट निकालने के लिए आपको क्या, छूट % जब भी निकालेंगे पता करेंगे कितने की छूट मिल रही। देखिए आप 1200 में से 1050 घटाएंगे 0, 10 में से 5 गया 5 2 1, आपका एक मतलब 150, 1050 आपका कितना हो गया 1200 गुणे कितना हो गया 100, इसको 2 जीरो से आप 2 जीरो कट जाएगा, आपका कितना आ गया 150 भागे 12, इसको भाग करें कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 12 एकम 12, कितना बचा आपका 5 2, ठीक है, कितना बचा 2, इसके 12 दूना 24, 12 दूना 24 12 3 36 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 12 दूना 24, यहाँ कितना बचेगा 6, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 12 5 60, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना था, बस आप लोग क्या करना था, जो आपका अंकित मूल दिया गया था उसी से आपको बेचने वाला मूल घटाते तो 150 आ जाता, उसके बाद अंकित मूल हमेशा जब भी छूट निकाली जाती है अंकित मूल पर निकाली जाती है, अंकित मूल नीचे रखते गुणा सौ कर देते, आपका छूट आ जाता। आज के सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, और आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और जिन लोगों को नहीं पता वो हमारा पार्ट नंबर 56 देखेंगे उसमें आंसर मिल जाएगा, जिन लोगों ने देखा है उसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। और जितने भी मैं होमवर्क के क्वेश्चन देता हूँ आप, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न रहते हैं, और आपकी क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरह के आपके लिए मैथ और रीजनिंग के हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।